जब भी कोई पशु आता है ईसर जैसे ही टच करेगा उसे एकदम झटका लगेगा और वो तुरंत पीछे हट जाएगा, वो डर के भाग जाएगा जी, डर के भाग जाएगा, वो फिर इधर को आता नहीं कभी भी। तो आपको कुछ प्रॉफिट मिला जी? किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका किसान चैनल धीरज ढिल्लो पर। किसान भाइयों, आज हम जिला हरिद्वार में निरंजनपुर गांव है ये, यहां पर आए हैं और यहां पर हमारे जो भाई हैं किसान भाई जो हैं काफ़ी जागरूक किसान हैं। इन्होंने यहां पर झटका मशीन तारबंदी की हुई है। ये मशीन किस प्रकार काम करती है और क्या उसके फ़ायदे हैं, कितना इसको लगाने में खर्च आता है, पूरी जानकारी हम किसान भाई के द्वारा लेते हैं। तो पहले लेते हैं एक बार इनका परिचय। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो पहले एक बार अपना परिचय दे दो जी। सर मेरा नाम यशवेंद्र कुमार सैनी जी, ग्राम निरंजनपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार। बहुत अच्छा जी, उत्तराखंड। तो ये जो हम आपकी व्यवस्था देख पा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं सर? इसे हम फेंसिंग तारबंदी बोलते हैं। अच्छा जी। ये ज़्यादातर हमारे क्षेत्र में माहे वगैरह पशु वे जंगली जानवर रहते हैं जी, वे मेरे कीड़े को इधर नुकसान ना पहुँचाए मेरी फसल को, इसलिए मैंने ये किया था। क्योंकि कटीले तार भी लगा कर देख लिए, उनको जो है वे अंदर बढ़ जाते हैं, तोड़ भी देते हैं। और वे अलाउ भी नहीं है जी। हाँ, उनको तो, भी तोड़ भी देते हैं। तो आप थोड़ा सा इनके नज़दीक चल के इनको अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं एक बार, ये क्या व्यवस्था है और किस प्रकार इसका जो सिस्टम है वो काम करता है। तो ये देख सकते हैं साथियों, हम ये चार तार हैं जिसमें जी सर, और ये पोल जो है इसको आपने कितने एरिया में कवर किया जी, कितने एरिया में लगाया आपने? 7 बीघे में कवर कर रखा है मैंने फिलहाल जी, इसका जो फिलहाल है। परंतु यह मशीन जो है यह लगभग 150 बीघे को कवर करती है। अच्छा जी। तो जैसे आपने 7 बीघे एरिया कवर किया इससे, तो इसका कॉस्ट कितना बैठा जी, खर्चा कितना आया? सेंटल तो लगा था। अच्छा जी, पिलर तो घर बना दिए, घर बनवाए हैं। और ये तार वगैरह? तार है ये 35 किलो तार लगा है जी इसमें। तो अब ये मशीन किस प्रकार काम कर, 27 किलो। तो ये मशीन किस प्रकार काम करती है एक बार उसको देखते हैं और मशीन को भी देखते हैं एक बार चल के। आइए देखते हैं। तो देखें किसान भाइयों, आवारा पशु और जंगली पशु आजकल हमारे किसानों की हमारी फसल में बहुत नुकसान कर रहे हैं। ये एक अच्छा प्रबंध है, देख भी सकते हैं आप, ये झटका मशीन है, ये कोई हानि नहीं पहुंचाता पशु को, लेकिन एक झटका देता है, तीव्र झटका जिससे पशु डर के भाग जाता है। अब देखते हैं चलिए। तो किसान भाइयों, ये सिस्टम काम कैसे करता है, कहां से इसमें करंट का प्रवाह दिया जाता है, अब देखते हैं। चलो जी सर, तारबंदी तो हमने आपको दिखाई दी भाइयों, अब अंदर से ये सिस्टम है। ये मशीन कहाँ पे जी, मशीन दिखाओ। ये मशीन मेरी यह है किसान विला के नाम से जी, ये मैंने मंगाई थी। और ये बैटरी से और लाइट से भी एडोप्टर है, अगर बैटरा भी वीक पड़ जाता तो लाइट पे भी लगा सकते हैं। तो ये बैटरी जो है बिजली से भी चलेगी? बिजली से भी चलेगी और डीसी करंट से भी चलेगी। तो इसने यहाँ से सप्लाई दे दी जी? जी जी। अब ये सप्लाई चल दी इन तारों के द्वारा जी बाहर जी। चलो अब देखते हैं बाहर। साथियों, जो तार बाहर से आ रहे हैं, अंदर से आ रहे हैं तार, ये तार आ चुके हैं यहाँ से जी सर। ये देखिए इधर से आगे तार ये, और इनका जो कनेक्शन है यहाँ पर इस बाउंड्री में इन तारों में दे दिया गया है जी। तो अब मान के चलो अब इसमें करंट मौजूद है जी, अभी फिलहाल बंद कर रखा है जी, बाकी ऑन कर देते हैं हम जब शाम को जाते हैं जी खेत से, तो हम ऑन करके जाते हैं फिर इसको। अच्छा अच्छा। तो अगर कोई पशु इसकी चपेट में आता है तो उसे हानि तो नहीं पहुँचती जी? कुछ कोई हानि नहीं पहुँचती। जब भी कोई पशु आता है इसे जैसे ही टच करेगा उसे एकदम झटका लगेगा और वो तुरंत पीछे हट जाएगा, डर के भाग जाएगा जी, डर के भाग जाएगा, वो फिर इधर को आता नहीं कभी भी। तो आपको कुछ प्रॉफिट मिला जी? हाँ, मेरे को इसका बहुत प्रॉफिट मिला है। पहले यहाँ पर इतने माहिर रहते थे जो बहुत जंगली जानवर थे, बहुत नुकसान पहुंचाते थे। अब यहाँ मेरे खेत के आसपास, खेत से इधर उधर को निकल जाते हैं, इस खेत के आसपास नहीं आते, क्योंकि जिस जानवर के एक बार झटका लग गया दोबारा से आने का नहीं, वो और कुछ बता देता है कि इधर को नहीं जाना जी बिल्कुल। तो देखे साथ बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई खर्चा भी ज्यादा नहीं है इसमें, कुछ नहीं लगता। तो भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे किसान भाई के विचार और इनकी राय कैसी लगी कमेंट के द्वारा जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।